गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर मैथ्स नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एडिंग ऑफ टू नंबर्स. ओके, टू नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं? देखो, उसको निकालने के अलग अलग मेथड्स होते हैं. एक होता है शॉर्ट फॉर्म में निकालते हैं हम उसको, एक निकालते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज को हम कैसे ऐड करते हैं. ठीक है, देखो ऐड क्वेश्चन दे रखा है हमारा, ऐड 23 and 12. ठीक है, 23 and 12. सबसे पहले 23 को लिखा, देन 12 को लिखा. ठीक है, फिर हमें पता है हमारा राइट हैंड साइड कौन सा होता है, वंस प्लेस, एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारा होता है टेंस प्लेस. हमने ये पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, वंस टेंस. ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमारा वंस एंड लेफ्ट हैंड हमारा टेंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम जब भी प्लस करना स्टार्ट करते हैं तो हम अपने राइट हैंड से, मतलब वंस प्लेस से करना स्टार्ट करते हैं. इधर लिखा है 3, इधर लिखा है 2. ठीक है, तो 3 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 + 2 = 5 बन जाएगा. नेक्स्ट 2 and 1, 2 में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा 3 बन जाएगा. ठीक है, ये था हमारा शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज को कैसे ऐड करते हैं. नेक्स्ट है हमारा किसी चीज को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे ऐड करेंगे. ठीक है, देखो यही क्वेश्चन था, 23 and 12, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे. 20 सबसे पहले हमने लिखा 23. ठीक है, तो 3 हमारा कौन से प्लेस पे था? 3 वंस प्लेस पे था, इसलिए 3 के आगे वंस लिखा. 2 था हमारा टेंस प्लेस पे, 2 के आगे टेंस लिखा. 2 tens + 3 ones, प्लस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है एड करना है हमें, इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया. नेक्स्ट था हमारा 12. ठीक है, तो 1 हमारा टेंस प्लेस पे था एंड 2 था हमारा वंस प्लेस पे, ये वाला 2. ठीक है, तो 3 + 2 हमारा हुआ 5, ये हमने 5 लिखा, 5 हमारा आया वंस. ठीक है, 2 + 1 = 3, 3 हमारा टेंस आया, 5 हमारा वंस आया. ठीक है, तो देखो 3 tens मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से. 10 से क्यों करा? क्योंकि 3 टेंस लिखा हुआ है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करा. बीच में प्लस का साइन था. ठीक है, फिर 5 है, 5 वंस, तो 5 को हम करेंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई. 3 10 = 30, ये प्लस का साइन आया इधर, 5 1 = 5, 30 + 5 आंसर आया हमारा 35. ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में निकाला 35 आया, और शॉर्ट फॉर्म में निकाला था तब भी हमारा क्या आया? 35 आया. ठीक है, ये था हमारा एडिशन ऑफ टू नंबर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ 3 नंबर्स. अब ऐसे ही 3 नंबर्स को, 3 डिजिट्स को कैसे हम ऐड करेंगे? देखो, ऐड 435 and 243. ठीक है, इन नंबर्स को हमें ऐड करना है. तो सबसे पहले हमने करा शॉर्ट फॉर्म में ऐड करा, 435 लिखा, फिर लिखेंगे हम 5 के ऊपर लिखा 1, वंस, 3 के ऊपर टेंस, एंड नेक्स्ट होता है हमारा 100, वंस टेंस 100, ऐसे हम राइट हैंड से करते स्टार्ट करते हैं. ठीक है, 435 लिखा, नेक्स्ट है 243, तो 3 हमारा वंस प्लेस पे, 4 हमारा टेंस प्लेस पे, 2 हमारा 100 प्लेस पे. ठीक है, अब ऐसे ही सेम जैसे उसमें लास्ट क्वेश्चन में हमने प्लस किया था, ऐसे ही इसमें करेंगे, राइट हैंड साइड से करना स्टार्ट करेंगे. 5 + 3 हमारा हो जाएगा 8, 3 + 4 हमारा हो जाएगा 7, 4 + 2 हमारा हो जाएगा 6, ये 678. ठीक है, उसी को देखो, उसी क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करेंगे. 435, 5 हमारा कौन से प्लेस पे था? वंस प्लेस पे था, इधर भी हमने 5 को वंस प्लेस पे देखा था. 3 हमारा था टेंस प्लेस पे, देखो 3 हमारा टेंस प्लेस पे था, 4 हमारा था 100 प्लेस पे, 4 हमारा था 100 प्लेस पे. ठीक है, नेक्स्ट है 243, 3 हमारा वंस प्लेस पे, 4 हमारा टेंस प्लेस पे, ये इधर देखो इधर लिखा हुआ है, एंड 2 हमारा 100 प्लेस पे था, ये रखा 2 हमारा 100 प्लेस पे था. ठीक है, सेम जैसे इसमें प्लस किया था उसमें भी प्लस करना है. 5 + 3 = 8, 8 हमारा वंस आएगा क्योंकि 5 और 3 कौन से प्लेस पे थे? वंस प्लेस पे थे. 3 + 4 = 7 आएगा, 7 टेंस आएगा क्योंकि ये दोनों नंबर्स टेंस प्लेस पे थे, प्लस का साइन. 4 + 2 = 6, 6 हमारा 100 आएगा. ठीक है, तो 600, 6 × 100, 7 tens, 7 × 10, 8 ones, 8 × 1. ठीक है, तो 600 + 70 + 8, 678.
इधर भी शॉर्ट फॉर्म से हमने निकाला था 678 आया था, इधर भी 678 आया था। अब इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज जो दी जाएगी उसको करके आपको सेंड करना है। थैंक यू क्लास।